नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले तीन दिनों से चल रहा झारखंड आंदोलनकारियों का आंदोलन समाप्त हुआ। रांची डीसी छवि रंजन सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए और आंदोलनकारियों से ज्ञापन लेकर आंदोलन समाप्त कराया। बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें मोराबांदी मैदान के पास बैरिकेटिंग लगाकर रोकने से नाराज आंदोलनकारी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि जो भी इनकी मांगे हैं और उन्होंने जो ज्ञापन के माध्यम से सौंपा है उसे राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। वहीं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को हम लोग पहुँचा चुके हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री के हाथों में मांग पत्र सौंपा गया है। मुख्यमंत्री की कब तक संवेदना जागेगी देखने वाली बात होगी। सम्मान के लिए आंदोलन करना होगा, यह शर्मनाक स्थिति है। हम सभी संवैधानिक तरीके से आंदोलन करके अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के साथ अन्याय कर रही है, मजाक कर रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमने कई आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास अपनी बात को रखी है। अगर सरकार हमारी बातों को झुठलाने की बात करेगी तो 29 दिसंबर को झारखंड बंद ऐतिहासिक होगा। सभी आंदोलनकारी झारखंड के सड़कों पर दिखेंगे। के द्वारा जो भी इनकी मांगे इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उनको सौंपा है और मैं इनके जितने भी डिमांड से मांगे हैं, जो भी ज्ञापन में इनके डिमांड्स हैं, उन सभी को मैं राज्य सरकार के सामने समक्ष रखूंगा। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री के हाथ में मांग पत्र दे चुके हैं। मुख्यमंत्री का कब संवेदना जागेगी और मुख्यमंत्री का कब नैतिकता का प्रदर्शन करेंगे कि सम्मान के लिए भी आंदोलन करना पड़े, ये शर्मनाक स्थिति होता है। हम लोग विभिन्न तरीकों से संवैधानिक तरीके से आंदोलन करके अपने बातों को सरकार तक ला रहे हैं और सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं कि भाई हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आपका ये मोच का लड़ाई का बात नहीं है।